11 लोकसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में इस बार 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की तो वहीं एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। बता दें साल 2019 में कांग्रेस के पास बस्तर और कोरबा की दो सीटें थी, लेकिन इस बार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बस्तर की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई, लेकिन जो दूसरी सीट है कोरबा की, उसे इस बार बचाने में फिर से कांग्रेस ने सफलता हासिल कर ली। बता दें कि कोरबा लोकसभा सीट पर इस बार की टक्कर मानी जा रही थी। सरोज पांडे यहां से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन क्षेत्र पर महंत परिवार का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और शायद इसका परिवार महंत परिवार को मिला भी। यही कारण है कि ज्योत्सना महंत दोबारा इस सीट पर जीतकर सांसद बनी। दोबारा जीत मिलने की खुशी ज्योत्सना महंत के चेहरे पर छलकती नजर आ रही। 18वीं लोकसभा सत्र के दौरान जब वह शपथ लेने पहुंची तो उनके चेहरे पर यह खुशी साफ देखने को मिल रही थी। देखिए, श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत, मैं ज्योत्सना चरण दास महंत, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री संतोष पांडे, जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में यहाँ पर ज्योत्सना महंत नजर आई, चेहरे पर गजब का तेवर, वही तेज और वही मुस्कान उनके चेहरे पर यहाँ पर देखने को मिली। और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी एक सीट पर लाज बचाने में कामयाब हुई, जिस पर ज्योत्सना महंत का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। यही कारण है कि जीत की ये खुशी सहज ही उनके चेहरे से छलकती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।